stunted fish fingerling. Vision 2020, Ancient India, Prachin Bharat. Low investment business ideas and secure your investment. Training and knowledge partner, consultant and business planner and partner. Free awareness campaign and educational series for fish and shrimp farming and much more. एडवाइस तो ज़रूरी है, वी आर बिल्डिंग द ट्रस्ट. आज का जो हमारा टॉपिक फॉल करेगा वो हमारा फिश फार्मिंग इन नेचुरल एंड अर्दन पॉन्ड, फिश फार्मिंग इन सीमेंटेड पॉन्ड, फिश फार्मिंग इन बायोफ्लॉक टैंक, बेसिक अवेयरनेस वीडियो फॉर फिश फार्मिंग, एजुकेशनल वीडियो फॉर फिश फार्मिंग. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एग 3 to 4 days में स्पॉन में कन्वर्ट हो जाता है, 15 टू 20 डेज में फ्राई में कन्वर्ट हो जाता है, 60 टू 90 डेज में फिंगरलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और 7 टू 8 मंथ्स में और 12 मंथ्स में वो ईयरलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जो इसका लाइफ स्पैन है. इनलैंड फिश कल्टीवेशन बाय यूजिंग स्टंटेड फिश फिंगरलिंग इज अ गुड वेंचर इन दीज विलेजेस पॉन्ड विच अटेन मार्केटेबल वेट विद इन 5 to 6 मंथ्स इन द मेन पॉन्ड or tank. Hence, stunted fingerlings provide an opportunity for fish cultivation in any pond which has water for at least 5 to 6 months. Rearing of fish fries in fingerling at higher stocking density, 2 to 3 lakhs per acre fed with natural food for 10 to 12 months produce stunted growth fish fingerling. आपने बहुत बार सुना होगा IMC का कि हमारा फिश का ग्रोथ नहीं है, 8 मंथ्स हो गए हैं, 12 मंथ्स हो गए हैं, 14 मंथ्स हो गए हैं, पर फिश ने ग्रोथ नहीं लिया, या बच्चा हमने इतना डाला था और इतना कम हो गया है. तो वो सब इश्यूज़ जो हैं आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, और उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप जब अपना फीड ले तो स्टंटेड फीड फिश सीड ले, जो आपका 5 to 6 मंथ में मार्केटेबल साइज ईजली यू कैन सेल. Advantage. Main cause to use carp has more growth rate in second year than first year. तो first year जो उसका fingerling में convert होगा और second year में वो एक अच्छा growth लेगा. Higher survival rate in grow out pond. और जब आपका बच्चा 50 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम का होगा तो उसका survival rate भी अच्छा होगा. Less vulnerable to the disease. जब बच्चा immune हो चुका होगा, बड़ा हो चुका होगा, तो उसको disease भी कम आएगा. मोर टॉलरेंट टू एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन. एनवायरमेंट में जो अप डाउन आएगा, बड़ा बच्चा उसको ईजिली झेल पाएगा. रिक्वायर लेस टाइम टू रीच मार्केटेबल साइज. जो आपका साइज है 1 किलो का, 1.5 किलो का, उसको आप 5 to 6 मंथ्स में अचीव कर पाएंगे. हाई ग्रोथ रेट एंड कैन बी सोल्ड एट हायर प्राइस. और आप उसको एक अच्छे कम टाइम में और अच्छे प्राइस पर बेच पाएंगे. हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. आप अपने प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं. अनहेल्दी सीड्स आर प्रिसाइज ड्यूरिंग स्टनिंग पीरियड, सो वी गेट ओनली हेल्दी सीड. जब आपका स्टनिंग पीरियड होगा, जो आपका 7 से 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने तक का होगा, उसमें जो भी आपका अनहेल्दी सीड है, वीक सीड है, वो आपका अलग हो जाएगा. मेजॉरिटी ऑफ सीजनल वाटर बॉडीज ड्राइज विद इन 5 to 6 मंथ्स, वेयर फिश रेयरिंग फ्रॉम एडवांस प्राइस इज नॉट इकोनॉमिकल. स्पेसीज सेलेक्शन फॉर स्टंटेड फिश फिंगरलिंग. इंडियन मेजर कॉर्प, कतला, रोहू, मृगल, एग्जॉटिक कॉर्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, और इन अनदर कैटफिश इज अ पंगेशियस इज अ मोस्ट सुटेबल फिश. सेलेक्शन ऑफ पॉन्ड. सेलेक्ट कर सकते हैं आप साइज ऑफ पॉन्ड 0.05 to 0.25 हेक्टेयर. डेप्थ जो होगा आइडियल 1 to 2 meters. पॉन्ड मैनेजमेंट. प्रो प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट. रिमूवल ऑफ एक्वाटिक वीड्स बाई नेटिंग ऑपरेशन. जो भी एक्वाटिक वीड्स है उसको आप नेटिंग के थ्रू हटा सकते हैं. रिमूवल ऑफ एक्वाटिक इंसेक्ट बाई यूजिंग सोप ऑयल. जो भी उसमें एक्वाटिक इंसेक्ट्स वगैरह हैं, सोप ऑयल वाले ट्रीटमेंट यूज़ करके आप कर सकते हैं. रिमूवल ऑफ प्रीडेटरी फिशेज एंड वीड फिशेज बाई यूजिंग नेटिंग ऑपरेशन और यूजिंग महुआ ऑयल केक एट द रेट ऑफ 2000 kg पर हेक्टेयर. लाइम एप्लीकेशन एट 200 to 1000 kg पर हेक्टेयर डिपेंडिंग ऑन pH ऑफ सॉयल एंड वाटर. फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन एट 5000 kg पर हेक्टेयर पर सिंगल डोज.
By using various weedicides, that is 2 to 4 dichlorophenol acetate, 2 to 4 D, 4.5 to 6.7 kg per hectare, or semazine at 5 kg per hectare, or copper sulfate at 175 kg per hectare. Eradication of aquatic insect by using cheap washing soap with mustard oil, groundnut oil cake at 56:18 kg per hectare, or Tipol B306 at 560 ml plus mustard oil cake at the rate 50 kg. Eradication of predatory fishes and weed fishes by using Mahua oil cake at 200 to 250 ppm per hectare, or Darris root powder at 4 to 20 ppm per hectare. We can also use synthetic chemicals such as Eldrin at 0.3 ppm per hectare, or Endrin at 0.01 ppm per hectare. Stocking management. प्री स्टॉकिंग के बाद आपको 15 से 20 दिन का टाइम देना है स्टॉकिंग में, जिससे कि आपका इकोसिस्टम जो है अच्छे से मेंटेन हो जाए और जो भी वाटर पैरामीटर हैं वो आपके आइडल हो जाएं। स्टॉकिंग रेट 2 टू 3 लैक्स ऑफ एडवांस फ्राइज पर एकर टू मिनिमाइज पोस्ट स्टॉकिंग मोर्टेलिटी द फ्राई फिंगरलिंग शुड बी स्लोली एंड ग्रेजुअली acclimatized to the temperature and quality of the water in the stocking pond. To do so, open the mouth of the seed transport bag container and gradually add the pond water in the faces, and after 15 to 20 minutes slowly dip and tilt the bag container in the pond so that the spawn fry fingerling are free to swim out. Stocking should preferably be done in the cool evening hours or morning hours. Post stocking management. Stocking rate 2 to 3 lakhs of advance fries per acre. To minimize post stocking mortality, the fry fingerling should be slowly and gradually added. 7 days, 15 days, 13 days interval of manuring and water quality check. Main water parameter is temperature 26 to 32. Degree centigrade is the ideal range, oxygen 4 to 10 ppm, total alkalinity 75 to 150 ppm, pH 7 to 8, turbidity 20 cm. Manuring done in 15 days interval by organic and inorganic fertilizer by production of zooplankton and phytoplankton in water. Organic fertilizer 1000 kg per hectare per month. Inorganic fertilizer single superphosphate 40 kg per hectare per month, liming done at 25 kg per hectare. ये monthly उसका रहेगा manuring का. Advantage of stunted fingerling: more production in less time period, survivability is more, disease resistance better growth than general fingerlings. Disadvantage: bird predation is more in stunted yearling production, mortality in stunt fingerling due to transport stress, ensure good oxygen during transport of stunted fingerling to long distance. Model fish pond, lining pond. Second picture में आप देखेंगे stocking size of advice fry इतना आपका होना चाहिए. Cow dung application जो आप apply करेंगे. फीडिंग ब्रॉडकास्ट जो भी आपको फीड देना है, जो भी मैन्यूरिंग करनी है वो ब्रॉडकास्ट वे में करेंगे. सैम्पलिंग और स्टंट फिंगरलिंग का जो आप ग्रोथ देखेंगे वो आपको 20 ग्राम, 50 ग्राम, 80 ग्राम और मैक्स 100 ग्राम तक मिल जाएगा. दिस इज आवर टीम. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो. अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो एंशंट इंडिया एग्री बिजनेस अवर टेलीग्राम ग्रुप नेम, एंड यू कैन मैसेज मी 9971155753. थैंक यू एंड हैप्पी फार्मिंग.